हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में तीन आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द को डिस्कस करेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल द पे ये पार्ट वन होगा। यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं। ऐसी चीजें जो दुनिया में एक ही हो उनको यूनिक बोला जाता है, ठीक है। यूनिक मतलब ऐसी चीजें जो दुनिया में एक ही हो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मून, मून हमारे पास एक है तो उससे पहले द का यूज किया गया। सन, सन से पहले द का यूज किया गया क्योंकि सन भी एक ही है। अर्थ से पहले द का यूज किया गया है। तो ऐसी चीजें जो एक ही होंगी यूनिक बोलेंगे उनको, और उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, द मार्स, द यूनिवर्स, द ताजमहल। ताजमहल हमारे पास एक ही है, ये यूनिक है, इसीलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। कुतुब मीनार, ये हमारे पास एक ही है, इससे पहले द का यूज किया गया है क्योंकि वो यूनिक है। अब यहाँ पर देखो, होली बुक्स यानी पवित्र ग्रंथ के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द भागवत गीता, द रामायणा, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द रामचरित मानस, ये सब होली बुक्स हैं। प्लस ये यूनिक भी हैं, इसीलिए भी इनसे पहले द का यूज किया गया है। यहाँ पर देखो, रिवर, नदियों के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ये ग्रामर के रूल है, आर्टिकल्स के रूल। तो गंगा से पहले द का यूज किया गया है क्योंकि गंगा नदी है हमारी। और द कोशी, कोशी के बारे में आपने सुना नहीं होगा लेकिन ये भी रिवर ही है, इसीलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। प्लस गंगा जो है आपका, या कोशी, ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन भी है। मैंने एक प्रॉपर नाउन के वीडियो में बोला था कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल, जनरली किसी भी आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गंगा नदी है वो यूनिक भी है क्योंकि दो तीन गंगा नदी हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे पास दो तीन कोशी नदी है। तो इसीलिए उससे पहले द का यूज किया गया है क्योंकि ये यूनिक भी है। और रिवर के नेम के पहले तो हमें आर्टिकल द का यूज करना ही है क्योंकि ये रूल है। तो